कि आप लोग पूर्णिया की महान जनता आने वाले समय में जो ऐतिहासिक काम जो आप लोग करने का काम कीजिएगा, हम पहले से ही आप लोगों को बधाई देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्णिया की जनता इस बार जुमलेबाजी में नहीं फंसेगी, इस बार ठगाएगी नहीं, इस बार एकजुट होकर के, चाहे कोई धर्म के लोग हो, कोई समाज के लोग हो, कोई जाति के लोग हो, एक तरफ होकर के महागठबंधन के प्रत्याशी पप्पू सिंह जी को भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। ये जो चुनाव है सिर्फ पप्पू जी का चुनाव नहीं है, अब कंफ्यूज मत कीजिएगा पप्पू जी, वो भारी ड्रामेटिक आदमी है। मोदी जी एक्टर के एक्टर है तो ये फ्लॉप एक्टर है। तो हम ये कहना चाहते हैं जो चुनाव है ये पप्पू जी का चुनाव नहीं है, ये जो चुनाव होने जा रहा है ये संविधान बचाने का चुनाव है, देश को एकजुट रखने का चुनाव है, भाईचारा को कायम रखने का चुनाव है, सामाजिक न्याय को बुलंद करने का चुनाव है, धर्मनिरपेक्षता को के लिए ये चुनाव है। आप लोग जानते हैं इस अधर्म और धर्म की लड़ाई में आप सब लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है। ये सच और झूठ की लड़ाई है, ये गरीब और अमीर की लड़ाई है। ये लोग मीडिया के लोग कहते हैं कि मोदी जी को हराने के लिए एकजुट हो गए, बताइए मोदी जी अकेले हैं क्या? हमारे पलटू चाचा किसके साथ है? एक चाचा एक और है, हम नहीं कहेंगे, मेरे लिए पूरा सम्मान है, पासवान जी है, मोदी जी के साथ है कि नहीं, लेकिन वो तो मौसम वैज्ञानिक है, लेकिन इस बार उनका चला नहीं, उनका बेटा का चला है, तो मौसम वैज्ञानिक है वो, लेकिन चिराग पासवान जी ने क्या चिट्ठी लिखा था वित्त मंत्री और आपके प्रधानमंत्री को कि नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, रफाल घोटाले में क्या क्या हुआ? तो ये बात आप लोग समझिए कि संविधान बचेगा तो आप रहोगे हम रहेंगे। ये जो आने वाला जो चुनाव है ये गोद से गोलकर बनाम मंडल और अम्बेडकर और गांधी चुनाव है, जो गांधी जी की विचारधारा, मंडल जी की विचारधारा, अम्बेडकर जी की विचारधारा एक तरफ है और दूसरी तरफ गोद से गोलकर की विचारधारा है। ये लोग आरएसएस के लोग नागपुर में तिरंगा नहीं फहराते हैं, ये लोग अपना खुद का झंडा फहराने का काम करते हैं। ये बीजेपी के लोग जो आज सत्ता में, आज काबिज हो गए हैं सत्ता में है, ये लोग गोवर्कर और गोडसे के वंशज लोग हैं। इन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की जिंदगी भर, देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं है और आज देश भक्ति का पाठ पढ़ाने का काम करते हैं। गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान भेजो, हम लोग जब मोदी जी से सवाल पूछते हैं कि हम आपसे पूछते हैं, यहाँ की जनता से पूछते हैं, नौजवानों से पूछते हैं, आपको रोजगार मिला? मोदी जी ने क्या कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे? मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि 15-15 लाख रुपए हर एक खर्चे में देंगे कि नहीं देंगे? इतना रुपया मिला, कुछ मिला? आज क्या स्थिति बनी हुई है? किसानों का कर्ज, आज किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है, ना खाद मिल रहा है, ना सही मूल्य मिल रहा है, ना धान की बिक्री हो रही है, हमारा मजदूर का रोजगार पूरा छीन लिया गया है, नीतीश चाचा हमारे बालू बंदी करा दिए, बताइए कहाँ जाएगा? शराब बंदी करा दिए, लेकिन शराब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, हो रहा है कि नहीं होम डिलीवरी? अब बताइए जो महुआ पीता है, जो तारीख पीता है, जो गरीब है, जो दलित समाज का है, जो पिछड़ा समाज का, अत्यंत पिछड़ा समाज का, ओकरे पकड़ रहा है, दहेज पे रेट कर रहा है, जेल भेज रहा है, भेज रहा कि नहीं भेज रहा? अमीर अधिकारी लोग, बड़ा बड़ा नेता जदयू का, बीजेपी का पी रहा है, भिजवा रहा है, तो लोग नहीं पकड़ा रहा है, गरीबे को जेल भेज रहा है, 200 रुपए के बटन 1500 मिल
रहा था 1500 मिल रहा था, तो जो अंतर है मूल्य का समझे तो 1300 रुपया वो किसके खाते में जा रहा है, वो आरसीपी टैक्स है, आरसीपी टैक्स समझिए, आरसीपी टैक्स में जा रहा है, जदयू के पार्टी फंड में जा रहा है। ये बेईमानों का सरकार है, ये धोखेबाजों का सरकार है। हम रोजगार मांगते हैं तो गिरिराज सिंह बोलते हैं इस सब बेईमान सब इस सबको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, तो देशभक्त नहीं है ये, जो अंग्रेज के गुलाम हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं देशभक्ति का, बताइए गिरिराज सिंह के पास जो हम लोग को पाकिस्तान भेजेगा। सब लोगों ने अपना खून देने का काम किया, सींचने का काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपना खून दे करके इस देश को बनाने का काम किया है। और हमारे देश की यही खूबसूरती है, यही हमारे देश का संस्कार है कि पूरे विश्व में माना जाता है कि अलग अलग दिखने में उत्तर चल जाए तो अलग दिखता है, दक्षिण चल जाए तो अलग दिखता है, पूर्व चल जाए तो अलग दिखता है, पश्चिम चल जाए तो अलग दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है, भाषा अलग अलग है कि नहीं है, पहनावा अलग अलग है कि नहीं है, खान पान अलग है कि नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एकजुट रहते हैं ना, देश एक है, यही हमारे देश की खूबसूरती है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जात है, लेकिन फिर भी हम एक है। और ये लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। लालू जी ने क्या कहा था पिछले चुनाव में, आप लोगों को फैसला करना दे के दूरदृष्टि, लालू जी की देश एक रहेगा कि बटेगा, ये पहले कहा था, लेकिन सब लोग झांसी में आ गए। अभी मोदी जी का नारा की बात चल रही थी, 2014 में क्या नारा लगा था, हर हर मोदी घर घर मोदी लगाता था कि लगाता था, ए मम्मी ए पापा आपकी बात मोदी है जी, आएंगे तो हमको रोजगार मिल जाएगा, बोलता था कि नहीं बोलता, ये हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं है, बड़ बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी है, कथनी में मानना चाहिए कि करनी में मानना चाहिए, करनी में मानना चाहिए, मोदी जी का कथनी है कि करनी है, ये बता दीजिए, कथनिया है ना खाली, बिहार का बोली लगाते याद है, सबसे ज्यादा अगर मोदी जी ने धोखा दिया है तो बिहार के लोगों को धोखा देने का काम किया, बिहार के लोगों को धोखा देने का काम किया। पिछला चुनाव में क्या बोल रहे थे, 70,000 करोड़ दू की 80,000 करोड़ दू, 80,000 करोड़ की 90,000 करोड़ रोज चलो 16,000 करोड़ रुपया दिया। मोदी जी बताइए बिहार तो एक को चमंदी अगर आपने दिया हो तो बता दीजिए, और हम तो चाहते हैं एक चचा हुआ बार बार पे अंतर आपको जगाते हैं, सृजन घोटाला में फंसा है, अभी मुजफ्फरपुर बालिका ग्राम है जो पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया नीतीश कुमार जी के खिलाफ, खुद पे हत्या का केस चल रहा है, अब अंतर आत्मा नहीं चल रहा हूँ, खाली अंतर आत्मा तेजस्वी के लिए चढ़ता था, लालू जी के लिए चढ़ता था, अब बार बार पे इस्तीफा पे इस्तीफा करते थे, अब अपने का मुकदमा हो रहा है, जांच चल रहा है, तो अब कहीं अंतर आत्मा जगाते हैं हमारे चाचा जी, हमारे चाचा का कोई नीति और सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, उनको खाली कुर्सी प्यारी है, किसी ना किसी तरीके से बस कुर्सी पे रहे, ये है वो। नीतीश जी बोले थे कि नहीं बोले थे, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, तो क्या हुआ भाजपा में तो चल गया, हम चाचा बता रहे कि कब मिट्टी में मिली है, हम देखे थे भाई एक बचपन में मूवी चाची 420 कमल हसन जी का आया था, और आज देख रहे चाचा 420 इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया, चार साल में चार सरकार, ऐसा कोई सरकार नहीं जिसको हमारे चाचा ने ये सुनी हुई है। आप बताओ जिस राज्य में चार साल में चार सरकारें बनेंगी तो उस राज्य में विकास संभव कैसे, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और हमारा चौकीदार एक पर चाय वाला लेकिन
बचपन से हम उनका फोटो देख रहे, बचपन से आ रहे थे स्कूल जा रहे थे तब से नरेंद्र मोदी जी का फोटो है, अमेरिका घूम रहे तो फोटो है, तपस्या कर रहे तो फोटो, लेकिन चाय बेचते हुए आज तक हम फोटो नहीं देखे, आज तक हम ये बताना चाहते हैं कि चाय बनाए कि नहीं बनाए तो कोई जानता नहीं। अब बन गया चौकीदार, तो एक बात सुन लीजिए, चौकीदार अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो देश और बिहार की जनता थानेदार है। अगर चौकीदार अगर गलती करेगा तो थानेदार उसको सजा देने का काम करेगा, देगा कि नहीं देगा सजा। चौकीदारी ऐसी हुई, चौकीदारी ऐसी हुई कि नीरव मोदी भाग गए आपका पैसा लेकर के, हजारों करोड़ रुपया लेकर के। विजय माल्या भाग गए, ललित मोदी भाग गए। आश्चर्य है नीरव मोदी ललित मोदी सब एक ही बिरादरी का, मोदी जी का बिरादरी का लेकर भाग रहा है। कहां बताओ ऐसी चौकीदारी उन्होंने करने का काम किया है, तो आप सजा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? क्या हुआ आप लोगों को? बोलते हैं नौजवान को बोलते हैं पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचो, बोलते हैं कि नहीं पकौड़ा बेचो? हम मानते हैं कि अगर पढ़ा लिखा नौजवान डिग्री है उसके पास, डॉक्टर का डिग्री है, इंजीनियर का डिग्री है, अगर रोजगार कहीं नहीं मिल रहा तो हम पकौड़ा बेचने के लिए तैयार है, कम से कम घर में कोई हमारे परिवार के लोग भूखा रहे तो हम बेच लेंगे। लेकिन मोदी जी पकौड़ा बेचने के लिए दुकान लगाना पड़ता है, ठेला लगाना पड़ता है, सामग्री खरीदनी पड़ती है, जो 15-15 लाख रुपए का वादा किए थे 2-3 लाख रुपए बोली करा दीजिए, हम तो ठेला खोल करके पकौड़ा भी बेचने का काम करें। बोली तो करवाइए, बोली नहीं करवा तो उसके आप सोचिए, हर साल 2 करोड़ लोगों को ये जब बोलेंगे पकौड़ा बेचो, जब हर साल 2 करोड़ लोग जब पकौड़ा बेचेंगे तो 5 साल में कितना पकौड़ा वचन बनाने वाला होगा? 10 करोड़। तो सोचो 10 करोड़ पकौड़ा बनाने वाले होंगे तो क्या होगा, खाएगा कौन पकौड़ा? हर घर में पकौड़ा बनाने वाला मिलेगा आपको, तो उसका दुकान चलेगा नहीं चलेगा? तो मोदी जी को खिलाइए पकौड़ा। तो उसके भाई आप सब लोग एकजुट नहीं, समय कम है, आने में हमको देरी इसलिए हो गया क्योंकि मौसम पटना से लेके यहाँ तक खराब था, अंधा तूफान बारिश खूब हुआ और हेलीकॉप्टर उसमें नहीं चल सकता था, लेकिन हम आए जनता की अदालत में। जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होती है, ना तो सुनवाई होती है, सीधा फैसला होता है। आप लोगों के नेता लालू जी को जिस तरीके से साजिश के तहत फंसाने का काम किया है, ये मोदी जी और नीतीश कुमार जी जानबूझ के लालू जी को जेल में बंद रखे हैं, क्योंकि ये जानते थे अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी भाई के लाल नेता नहीं जो अगर संविधान को आरक्षण के साथ इन लोगों ने लालू जी को बंद करने का काम किया। आज बताइए जो बीजेपी के साथ मिल जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, जो बीजेपी के साथ लड़ता है उसके ऊपर सीबीआई छापा और रेड करने का काम करती है। इसलिए हम जनता की अदालत में आए, जब हमारे पिता को जेल भेजा जा रहा था तो हम लोग निराश थे, हमारे पिता कहते बेटा निराश मत होना, निराश हो गए तो अपने मालिकों के बीच चले जाना। आज अपने मालिकों के बीच आप लोगों के बीच आए हैं, आप हमारे मालिकों, और हमें पूरा उम्मीद है पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है लालू जी के साथ न्याय करने का काम कीजिएगा। अगर हम लोगों को लालच होता कुर्सी का लालू जी और तेजस्वी को, तो हम भी भाजपा के साथ मिलकर के आज बिहार के मुख्यमंत्री होते, लेकिन हम लोगों ने अपने चाचा जैसा विचारधारा का समझौता नहीं किया। कुछ लिए 100 बार भी अगर ऐसा कुर्सी हमको भाजपा के साथ मिलेगा मौका, तो हम 100 बार लात मारेंगे ऐसी कुर्सी को, लेकिन हम सामाजिक न्याय और धार्मिक सच्चाई अपने विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आप लोग सब लोग एकजुट रहिएगा, यह ठग लोग बहुत है, अपने समाज को बटने नहीं देना है, एकजुट होकर के एकदम एकजुट होकर के यहाँ से पप्पू सिंह जी को हमारे जो अभिभावक है उनको आप लोग जिताने का काम कीजिए, इनको भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। पंजा छाप रहेगा, नंबर नंबर जो होगा कौन नंबर को होगा भाजपा आपको पता चल जाएगा। हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, आपका आशीर्वाद है ना, तो
राजनीतिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का सरकार बना रहा है ना। और दो बात क्या हम रखेंगे, एक जो न्याय योजना की जो बात की, न्याय योजना में कम से कम 5 करोड़ परिवार यानी 25 करोड़ लोगों को डायरेक्ट फायदा होगा। कम से कम न्यूनतम आय 12,000 रुपए एक परिवार को मिलेगा ही मिलेगा, ये राहुल गांधी जी ने घोषणा की है। इससे सबसे ज्यादा फायदा बिहार के लोगों को होगा और जो अंतिम पैदान पे समाज में जो खड़ा व्यक्ति और परिवार है, जो सबसे ज्यादा दलित, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा जात के लोग हैं, उनको डायरेक्ट फायदा होने का काम करेगा। तो राहुल गांधी जी के इस फैसले को हम लोग स्वागत करने का काम करते हैं। और दूसरा बात, हम जाते जाते एक नारा लगा दीजिए, लगाइएगा, हम बोलेंगे भाजपा बना तो आप बोलेगा देश बचा, भाजपा बनाओ, भाजपा बनाओ, भाजपा बनाओ। और एक जो हमारी लड़ाई है उसका भी आप लोग, हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ, आप बोलेंगे आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, ये वो चाचा के लिए भी हम बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ, तो आप बोलेंगे बिहार बचाओ, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद, जय हिंद।